रैम्बो फिल्म से टाइगर श्रॉफ का करियर कैसे पूरी तरह से स्टैग्नेंट हो जाएगा, कैसे उनकी फैन बेस बढ़ाने का स्कोप बहुत कम है, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम आपके पसंदीदा स्टार्स की फिल्में के बारे में अपडेट्स डालें तो आप सबसे पहले जान पाए। टाइगर श्रॉफ नई पीढ़ी के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक नहीं कहलाए जा सकते, मगर उनके पास मास अपीलिंग और ओपनिंग डे पोटेंशियल उनको इस जनरेशन का ही नहीं बल्कि अगले दो जनरेशन का भी टॉप स्टार्स में से एक बना सकता है। बंदे के पास मेहनत करने की ताकत जरूर है। अपनी मेहनत की वजह से आज वो सिर्फ जैकी श्रॉफ का बेटा नहीं कहलाया जाता, उन्होंने दिखा दिया कि वो एक बड़े और इंडिपेंडेंट स्टार है जिसने ऑडियंस का दिल जीता। उन्होंने अपने करियर में अब तक 300 करोड़ फिल्में दी हैं और नॉनस्टॉप 2014 से काम करते आ रहे हैं। उनकी बराबरी का एक्शन इंडस्ट्री में आज सिर्फ विद्युत जामवाल ही कर सकते हैं नई जनरेशन में से। मगर अगर पूछा जाए कि दोनों में से बड़ा स्टार कौन है तो जवाब पता है आपको, किसी न किसी कारण की वजह से एक दूसरे से बड़ा स्टार हो जाता है। इसी का मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे से बेहतर या बेटर हो, मगर टाइगर के अब तक के करियर में उनका अपना कोई एक्सक्लूसिव हिट नहीं रहा। उन्होंने अब तक अपने करियर में न जाने कितनी साउथ फिल्म के रीमेक्स किए हैं। उनकी पूरी बागी फ्रेंचाइजी किसी न किसी साउथ फिल्म की रीमेक है। बागी है 2004 की तेलुगु फिल्म वर्षम की रीमेक, बागी 2 है वेताई की रीमेक। अब अगर सारी फिल्में एक फ्रेंचाइजी के अलग अलग अनरिलेटेड फिल्मों के ही रीमेक हैं, तो इसको एक फ्रेंचाइजी में बनाना सिर्फ एक बिजनेस चलाना ही हुआ। फिर टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हीरो पंती भी पागरू नाम की एक तेलुगु फिल्म की रीमेक है। अब भाई इस फिल्म में द अल्लू अर्जुन थे, उनकी फिल्में तो टीवी चैनल्स पर वैसे भी आ ही जाती हैं, तो उन्हें रीमेक करने का क्या फायदा। और अब जब नेटफ्लिक्स और अमेज़न जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म में सारी रीजनल फिल्में देख सकते हैं, हर कोई देख सकता है, तो रीमेक बनाना सिर्फ क्रिएटिविटी की कमी नहीं बल्कि एक इंडस्ट्री की काबिलियत पर उंगली उठाने पे लोगों को मजबूर करता है। हर साल हिंदी सिनेमा के कई लोग खूब मेहनत से न जाने कितनी फिल्में या कहानियां लेकर आते हैं। इन फिल्म मेकर्स का सिर्फ कला के प्रति नहीं फिल्म इंडस्ट्री के प्रति भी बहुत बड़ा योगदान है, मगर उनके पास सारी मेहनत जो है जब टाइगर श्रॉफ जैसे स्टार्स और फिल्मों के रीमेक्स को सपोर्ट करते हैं तो वो सारी गायब हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि टाइगर श्रॉफ मेहनत नहीं करते, मगर उनकी फिल्मों के डायरेक्टर्स उनके खास प्रोडक्शन या हाउसेस जैसे दूसरी फिल्मों की कहानी को इस्तेमाल करके केवल पैसे बना रहे हैं। अब जब रैम्बो बन रही है तो टाइगर श्रॉफ सिर्फ एक्शन के राजा नहीं बल्कि रीमेक्स के भी राजा बनते जा रहे हैं। आशा रखते हैं कि विकास बहल की गणपत के साथ उनकी ये इमेज बदल जाए और वो अपनी भविष्य में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इमेज का ख्याल करके अच्छी फिल्में बनाएं और जिम्मेदारी से अपने हुनर का इस्तेमाल करें। आपको क्या लगता है कि एक अच्छी फिल्म की कहानी को फिर से हिंदी में बनाना चाहिए ताकि उस कहानी को और लोग जान पाए, या ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने से रीमेक करने की आवश्यकता चली जाती है। आप हमें अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा।